आप सभी का स्वागत है। आप लोग कैसे हैं बताना है, जरूर आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो मैं भी ठीक ठाक हूँ। तो मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरा ब्लॉग को देखो तो आज मेरे हस्बैंड जाएंगे बोलबम, तो उनके लिए यहाँ पे बन चुका है पराठा सब्जी। तो क्या क्या मैंने बनाया मैं आप लोग से शेयर कर देती हूँ, और फटाफट करना है क्योंकि शाम के 4 बजे तक वो निकल जाएंगे। तो इसलिए मैंने सोचा पहले मैं थोड़ी बहुत वीडियो स्टार्ट कर लेती हूँ। तो आप लोग को देख सकते हैं बहुत तेज की धूप आ रही है यहाँ से, बहुत तेज की। तो चलिए फिर फटाफट क्या क्या बना है मैं दिखा देती हूँ। आज कावर लेके तो यहाँ पे सब्जी बन गया है बिना लहसुन प्याज का। तो परवर की सब्जी और आलू की बना दी हैं और पराठा बना दिए हैं। तो यहाँ पे पैकिंग कर रही हूँ उनकी टिफ़िन, क्योंकि रात में वो पहुँचेंगे तो सुबह में जल लेके जाएंगे, तो वो बनारस से इलाहाबाद के लिए निकलेंगे। तो यहाँ पे टिफ़िन हो गई है तो ये भी रेडी हो रहे हैं। यहाँ पे गमछा वमछा ले लिए हैं अपना। तो यहाँ पे मैं इनके पैर में जो आलता आता है वो लगा रही हूँ जैसे रंग, क्योंकि जो कांवर लेके जाते हैं उनके पैरों में हर किसी की देखेंगे तो आप लोग रंग जरूर लगा रहेगा उनके पैरों में। तो यहाँ पे आ गया है डीजे, बाहर डीजे नहीं, अभी थोड़ा बहुत अभी टाइम लगेगा पापा बस। तो यहाँ से निकलने के बाद पहले जाएंगे ये इलाहाबाद, इलाहाबाद से फिर बनारस जाएंगे। तो यहाँ से ये लोग जाएंगे बाइक से, फिर उसके बाद बाइक को खड़ा करके मतलब जहाँ पार्किंग रहेगी फिर पैदल ही जाएंगे, और जल लेके फिर इलाहाबाद जाएंगे, फिर उसके बाद जाएंगे बनारस। तो काशी में जाएंगे, काशी विश्वनाथ वहाँ। यहाँ पे मेरे हस्बैंड ने ले लिया था देसी आम, तो मतलब पेड़ का आम है यहाँ पे। तो मम्मी ने कहा कि इसका हम बनाएंगे आज अमावट बनाएंगे घर पे ही। तो यहाँ पे हम लोग ने ऐसे ही गार के मम्मी ने थाली में करके रख दिया था उसको एकदम गला गला के, और फिर धूप इतनी तेज की धूप है कि आप लोग देख सकते हैं ये एक ही दिन में इतना मतलब सूख के अमावट बन गया। इसको बोलते हैं आम पापड़। तो इसमें कोई मिलावट नहीं है, देसी आम का हमने बनाया है, कुछ भी मिलावट नहीं है इसमें, जैसे आटा वगैरह कुछ भी नहीं डाला गया और चीनी भी नहीं डाला गया है। सिर्फ ये आम ही है, सिर्फ आम है, वो भी देसी आम है। थोड़ा सा खट्टा थोड़ा सा मीठा जो आम आता है, बहुत ज़्यादा ये मतलब मीठा और खट्टा था, इतना टेस्टी लग रहा था खाने में। अगर आपके यहाँ आम का पेड़ है तो ये ज़रूर बनाना आप लोग। इसमें थोड़ा सा अचार का जो मसाला आता है वो डाल देंगे तो और ये
अच्छा लगेगा खाने में। तो आप लोग देख सकते हैं कितनी अच्छे से ये मतलब निकल रहा है थाली से, और इसमें हम लोग ने तेल भी नहीं लगाया थाली में। मैंने मम्मी को कहा कि इसी तरीके से रख देते हैं, कोई बात नहीं, ये निकल जाएगा बाद में सूखने के बाद। तो आप लोग देख सकते हैं कितने अच्छे से निकल रहा है। अगर आम पापड़ आपको घर पर बनाना है तो ऐसे ही अच्छा बनाना, ये सेहत के लिए अच्छा भी होता है, और जो दुकान पर से आता है वो तो मिलावटी रहता है। लेकिन यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं सिर्फ ये आम है, सिर्फ आम, ना इसमें कोई मिलावट है ना इसमें कोई चीनी है, सिर्फ आम हम लोग ने थाली में करके सुखा दिया था। तो चलिए बच्चे लोग को दे देते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आप लोग कैसे हैं बताना ज़रूर, आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो मैं भी ठीक ठाक हूँ। तो मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज है मतलब दूसरा सोमवार सावन का, तो मेरे हस्बैंड कल का गए हैं जल चढ़ाने मतलब इलाहाबाद से बनारस। तो अभी मैं चल रही हूँ, फास्ट हूँ तो मैं तो नमक खाती नहीं हूँ ऐसे, लेकिन क्या करे, को सोनम भी फास्ट है तो उसके लिए मुझे कुछ तो बनाना पड़ेगा। अभी आती होगी स्कूल से, तो मैंने सोचा कि आज मैं उसके लिए आलू दम बना देती हूँ थोड़ा सा, और उसी में से मैं भी खा लूँगी, क्योंकि अभी तो फ़िलहाल कोई मार्केट जाएगा नहीं तो वहाँ से फल फ्रूट आएगा नहीं। तो यही सोच रही हूँ कि थोड़ा सा आलू दम बना देते हैं, वो भी खा लेगी, मैं भी खा लूँगी, और फिर नींबू है नींबू का रस घोल लेंगे, हो जाएगा। और घर दुकान में तो बर्फ़ी है ही है फास्ट वाला, वो खा लेंगे, हो जाएगा। तो अभी सारे बच्चे स्कूल गए हैं, स्कूल के टिफ़िन में मैंने कुछ भी नहीं दिया है, सिर्फ गोलू को ही टिफ़िन सी था, क्योंकि सोनम तो मतलब फास्ट है और लक्की तो 9 में है, तो वो टिफ़िन लेके नहीं जाता, वो कहता है मैं बड़ा हो गया हूँ, तो सिर्फ 1 किलो को देना पड़ा था। तो गोलू मेरी ले गई है आज दुकान पे से समोसा और पराठा। तो चल रही हूँ, यहाँ पे खाना मैंने बना लिया है, यहाँ पे खाना बन चुका है। खाना में मैंने बनाया था जी तुरई की सब्ज़ी, तो यहाँ पे खाना मैंने बना लिया है, तुरई की सब्जी बनी है और चावल और रोटी बना है। तो अभी चल रहे हैं, चाय है, थोड़ा सा मैं चाय पी लूँगी, और लाइट नहीं है, आप लोग देख सकते हैं लाइट कट चुकी है, तो थोड़े ही टाइम के लिए आई थी मैं, जैसे ही पानी भरी हूँ वैसे ही लाइट चली गई है, तो क्या करें अब। और इन्वर्टर हम लोग ने बंद रखा हुआ है, क्योंकि इन्वर्टर भी चार्ज नहीं हो पा रहा है, रात भर पंखा चलाते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी है, बहुत ज़्यादा गर्मी है, अगर बिना पंखे का भी नहीं सो सकते, वो भी ज़्यादा टाइम नहीं चलता है, पूरी रात इन्वर्टर नहीं चलती है, थोड़े ही टाइम चलती है फिर वो भी बंद पड़ जाती है, और लाइट यहाँ रात के 12 बजे आते हैं।
तो यहाँ पे लाइट आ चुकी है, तो यहाँ पे मैंने स्लो गैस करके रख दिया है, ये होता रहेगा। और फिर मैं जा रही हूँ थोड़ा हवा में, बहुत ज़्यादा गर्मी है, किचन में बैठने या रुकने लायक नहीं, इतनी गर्मी है।